CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला बंजारन। आइए आज सुनते हैं ये कार्यक्रम बंजारन भाग 3। आलेख विभा देवसरे का है, इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो दोस्तों बंजारन आ रही है तुमसे बात करने। अरे बंजारन आओ, ये सब बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें बताने लाई हूँ मैं एक पिटारा जादू का। नहीं नहीं, ये बड़ा अजब है। तापने वाला? नहीं नहीं, ये बड़ा गजब है। ठुमक ठुमक ठुम, ठुमक ठुमक ठुम, झनन झनन झूम, ठुमक ठुमक ठुम, झनन झनन झूम, मैं बंजारन नाचू गाऊ। बच्चों तुम भी नाचो गाओ, बच्चों तुम भी नाचो गाओ, ताली पीटो पीटो ताली। वाह वाह कितने अच्छे हो तुम। हाँ तो बच्चों जोर से बोलो नमस्ते। बहुत अच्छे। हाँ तो बच्चों हुआ ये कि कल मैं शहर गई थी तो वहाँ देखा दोस्तों, ये बंजारन दिन भर घूमती रहती है जैसे इसे और कोई काम ही नहीं है। ओफो, अरे ये तो मैं बच्चों को पहले ही बता चुकी हूँ कि हम बंजारे लोग गांव-गांव शहर-शहर घूमते रहते हैं, इसीलिए हमारा कोई एक घर नहीं होता। जहाँ चले गए वही हमारा घर हो जाता है। हाँ तो बच्चों मैं तुम्हें बहुत अच्छी बात बता रही थी कि बीच में ये पोपट लाल टपक पड़े। अरे क्या बता रही थी, यही ना कि आज तुम्हारी पोटली में कोई और नया बाजा है। नहीं नहीं नहीं, वो तो बाद में बताऊंगी, पहले वो शहर वाली बात तो सुनो। कल जब मैं शहर गई तो देखा वहाँ एक स्कूल में बड़ी तैयारियां हो रही हैं। कहीं नाच हो रहा है, कहीं गाने हो रहे हैं, कहीं खेलकूद हो रहे हैं। बस फिर क्या था, बच्चों उस स्कूल में मैं भी घुस गई। हम बच्चों का दिन नाचे गाए खुशी मनाए, खेले कूदे खेड़े तान, बजे बांसुरी तान निराली, बजे बांसुरी तान निराली, मंगल में कन्हैया बने खड़े हो। बंजारन तुम्हें नहीं पता मैंने नौटंकी में काम किया है। ऐसे ही बांसुरी बजाकर मैं कृष्ण कन्हैया बना था। अच्छा तुम कृष्ण कन्हैया बने थे। अरे हाँ बंजारन।
बांसुरी बांस से बनती है, इसीलिए बांसुरी कहलाती है। वैसे बांसुरी लोहे से, कांसे से और चांदी से भी बनाई जाती है। बांसुरी में एक छेद ऊपर होता है, इस छेद को मुंह से लगाते हैं और फूंक मारते हैं। बाकी छह छेद नीचे की तरफ रहते हैं। इन छेदों को उंगलियों से दबाते हैं तो अलग अलग आवाजें निकलती हैं। बांसुरी की आवाज में तो जादू होता है, जादू। अच्छा, अब और कौन सा बाजा है तुम्हारी पोटली में, दिखाओ तो। वाह वाह पोपटलाल, दिखा तो मैं तुम्हें दूं ये नया वाला बाजा, पर तुम इसका नाम तो बताओ। अच्छा बच्चों, तुम सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। पोपटलाल, तुम भी आंखें बंद करो। अरे बंजारन, आंखें बंद कर लूंगा तो बाजे का नाम कैसे बताऊंगा। ओहो, अरे बाबा, कानों से इसकी आवाज सुनकर बताओ ना, तब मैं जानूं। अच्छा दोस्तों, मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली हैं। तुम भी तो आंखें बंद कर लो। हां हां, सब लोग आंखें बंद कर लो। लो अब सुनो इसकी आवाज। अरे मैं नहीं जानूंगा इसे। अरे ये क्या है। वाह वाह पोपटलाल, मान गई कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। अच्छा अब सब अपनी आंखें खोल लो। बच्चों, ये शहनाई है। क्या है ये? शहनाई। हां, बांसुरी की तरह होती है। इसे फूंक मारकर बजाते हैं। इसके नीचे का हिस्सा गोल होता है, इसके ऊपर एक छेद होता है जिसमें फूंक मारते हैं। इसमें 8 छेद होते हैं। यह शहनाई भी लकड़ी से बनती है। शादी और त्योहारों में यह शहनाई खूब बजाई जाती है। अब सुनो एक बार इसे। बच्चों, एक बार इसे सुनो। हां
बताओ कि दोनों की आवाज क्या एक जैसी है? और क्या, दोनों की आवाज एक जैसी है, दोनों शहनाई हैं। तुमसे ज्यादा समझदार तो हमारे बच्चे हैं, जो जोर से कह रहे हैं कि पहली वाली शहनाई है और दूसरी वाली बांसुरी। ये बच्चे तो बांसुरी और शहनाई की आवाज को अच्छी तरह पहचान ही गए हैं। अब मैं चलूं। अरे बंजारन, ये पोटली क्यों बांधने लगी? बाकी की पोटली नहीं खोलोगी? अब पोटली कल खुलेगी। अच्छा बच्चों, अब मैं चलूं। अरे बंजारन, जाने से पहले वो वाला अपना गीत तो सुना दो। अरे वही वाला। अच्छा अच्छा सुनो। सचमुच दोस्तों, ये बंजारन है बहुत मजेदार। तो भाई जरा जोर से कहो, जय हिंद। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।